Hey guys, welcome back to my channel. चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने गवर्नमेंट नर्सरी प्रयागराज से कुछ पौधों की शॉपिंग की है और इतने सस्ते पौधे मुझे मिले हैं वहाँ पर कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पौधे इतने भी सस्ते हो सकते हैं। और पौधे बहुत ज़्यादा तब वहाँ नहीं थे, पर जो भी थे वो बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में थे। अगर आप भी जाकर वहाँ शॉपिंग करना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे जाइए, 5 बजे से वो नर्सरी खुलती है इस टाइम लॉकडाउन में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पौधों को। ये देखिए, ये वेरिगेटेड वाला अरेलिया है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है पर बहुत छोटा भी नहीं है। इसे मैं गमले में लगा कर अच्छे से ग्रो कर सकती हूँ। और इसका प्राइस सुनेंगे ना आप, इसका प्राइस है सिर्फ 10 रुपये। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका प्राइस है सिर्फ 10 रुपये। और ये देखिए, ये कोलियस, इसकी 2 लीव्स ख़राब थी पर ये मैंने ले लिया वहाँ से। प्लांट जो था, प्लांट ये हेल्दी था इसलिए मैंने इसको ले लिया। कई ब्रांचेस निकल रही थी इस पर। और इसका वेरिगेशन देखिए। और इसके साथ ही मैंने एक और कोलियस वहाँ से परचेज़ किया। ये देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे इसलिए मैंने इसे ले लिया। ये देखिए, छोटे छोटे से पॉली बैग में ब्लैक कलर के थे सारे ही प्लांट जो भी वहाँ पर थे। और ये दोनों पौधे मुझे सिर्फ 10-10 रुपये में मिले हैं। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मतलब मैंने इतनी सारी नर्सरियों में विज़िट किया पर प्लांट इतने सस्ते थे वहाँ पर। और ये देखिए, ये बेबी टीयर्स है, ये देखिए, ये भी ऐसे ही छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ है। ये हैंगिंग बास्केट में लगाने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी ग्रो भी करता है। और ये भी मुझे वहाँ पर सिर्फ 10 रुपये में मिला है, सिर्फ 10 रुपये में। और ये देखिए, ये है क्लोरोफाइटम या फिर इसे स्पाइडर प्लांट कहते हैं। ये ग्रीन वाला वैरायटी मुझे वहाँ पर मिल गया। ये देखिए, क्लोरोफाइटम के नीचे अंदर देखिए बेबी प्लांट भी निकल रहा था, बहुत रीजनेबल। और इसका भी प्राइस सिर्फ 10 रुपये है। मतलब मैं आपको जितने पौधे दिखा रही हूँ उसमें ज़्यादातर पौधे सिर्फ 10 रुपये में हैं। मतलब मज़ा आ गया मुझे वहाँ पर शॉपिंग करके। ये देखिए, इसके बाद मैंने लिया है ये है क्यूफिया का प्लांट, इसे मैक्सिकन हेदर भी कहते हैं। और ये बुशी हो जाता है प्लांट और इसमें हल्के छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं ब्लू कलर के, बहुत खूबसूरत लगता है ये पौधा। उसके बाद मैंने लिया है ये भी फ्लावरिंग प्लांट है पर इसका नाम मुझे नहीं पता है, आप में से किसी को पता होगा तो ज़रूर बताना। और मैक्सिकन हेदर और ये प्लांट मुझे दोनों 10-10 रुपये में ही मिले हैं वहाँ पर। और हाँ, अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं प्लांट की शॉपिंग करने तो खुद का थैला कैरी कीजिएगा, क्योंकि वो लोग थैला प्रोवाइड नहीं करते हैं या प्लास्टिक भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और ये देखिए, ये है एग्लोनीमा की ग्रीन वाली वैरायटी और इसका प्राइस सिर्फ 20 रुपीज़ था वहाँ पर। देखिए प्लांट का साइज़ देखिए कितना बढ़िया है, और सिर्फ 20 रुपीज़ का प्लांट था। और इसमें देखिए न्यू ग्रोथ भी हो रही थी। इसके बाद मैंने वहाँ से परचेज़ किए हैं रोज़ेस, ये देसी गुलाब है, ये मुझे वहाँ पर सिर्फ 20 रुपीज़ का मिला है। ये देखिए, ये वहाँ पर आप अगर प्लांट की डिमांड करते हैं तो तुरंत खोद कर और ऐसे रैप करके देते हैं, इसलिए थोड़ा हैवी हो जाते हैं। इसलिए अगर आप वहाँ पर शॉपिंग करने जा रहे हैं रोज़ेस या फिर थोड़े ऐसे बड़े प्लांट की, तो थोड़ा मजबूत थैला ले जाइएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो इन प्लांट्स को लाने के लिए। और आप बच्चों को लेकर मत जाइए क्योंकि इस समय पार्क में बच्चों की एंट्री बंद है। प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं पर उन्होंने अच्छे से रैप करके दिया है, इसलिए ये थोड़ा सा बड़े और हैवी दिख रहे हैं। इसके बाद मैंने वहाँ से परचेज़ किए हैं 2 हिबिस्कस के प्लांट। ये देखिए, ये रेड और पिंक वाला हिबिस्कस है, ये भी मुझे 20-20 रुपीज़ के दोनों प्लांट पड़े हैं। वैसे तो मैं पार्क में जाते रहती थी पर कभी नर्सरी में नहीं गई थी। मुझे लगता था कि गवर्नमेंट नर्सरी में प्लांट क्या ही मिलेंगे, पर गवर्नमेंट नर्सरी बाकी नर्सरियों से बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में आप गेट नंबर 3 से जाइए, बिल्कुल पास में है ये नर्सरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।